hello students how are you all i hope you all are good today we are going to study the next chapter of your sst book that is chapter number 6 equatorial regions the land of dense forests okay so this is your sst book now take out your sst book and open page number 37 your chapter number 6 is equatorial regions the land of dense forests means कहाँ का एरिया किस एरिया के बारे में हम पढ़ेंगे कि जो घने जंगल डेंस फॉरेस्ट मीन्स जो घने जंगलों की जगह होती है घने जंगलों वाला एरिया है आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे द इक्वेटोरियल रीजन्स आर यूनिक इन मैनी वेज जो इक्वेटोरियल रीजन्स होते हैं हमारे जो इक्वेटोरियल इलाके होते हैं वो कैसे होते हैं बहुत सारे तरीके से बहुत अलग होते हैं डिफरेंट होते हैं दीज फॉरेस्ट कंटेन मोर देन हाफ ऑफ बर्ड्स प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पेसिस और ये जो जंगल होते हैं ये जो फॉरेस्ट होते हैं हमारे ये क्या करते हैं इसमें वर्ड की आधे से ज़्यादा प्लांट और एनिमल की प्रजातियाँ होती हैं बट द एरिया विच दे कवर ऑन द अर्थ इज सिक्स परसेंट लेकिन अर्थ पर इन्होंने कितने इन इन इस वाले जो डेंस फॉरेस्ट का एरिया कितना है ओनली सिक्स परसेंट एरिया दिस रीज़न इज़ फाउंड ऑन आर द साइड ऑफ द इक्वेटर अबाउट टेन डिग्री नॉर्थ एंड टेन डिग्री साउथ ये कहाँ पर होता है ये एरिया इक्वेटर के टेन डिग्री नॉर्थ में और इक्वेटर से टेन डिग्री साउथ में हैवी रेनफॉल यूनिफॉर्मली हाई टेम्परेचर एंड एबसेंस ऑफ एनी सीजन मेक्स दिज एरिया हॉट एंड वेट थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे क्या होती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट में बारिश भी होती है और यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई भी होता है और ज़्यादा बारिश होने की वजह से और ज़्यादा गर्मी होने की वजह से क्या होता है यहाँ पे पूरे साल हॉट और वेट एटमॉस्फेयर ही होता है लुक एट द शेडेड एरिया ऑफ द मैप केयरफुली यू विल फाइंड दिस रीज़न इन द कॉन्टिनेंट्स ऑफ साउथ अमेरिका अफ्रीका एंड एशिया अभी आप मैप में देख सकते हैं जो शेडेड एरिया है हमारा उसमें देखिए आप ये जो हमारा आ, ये जो एक्टोरियल रीज़न से मेनली कहाँ पर है साउथ अमेरिका अफ्रीका और एशिया में सम ऑफ द कंट्रीज़ आर और इसमें कुछ कंट्री और मेनली कुछ कंट्रीज में हैं जैसे कि इक्वेडर कोलंबिया एंड ब्राज़ील विच विच इज़ इन साउथ अमेरिका घना इवोरी कोस्ट जरे जो कहाँ पर है अफ्रीका में मलेशिया इंडोनेशिया श्रीलंका और कहाँ पर इंडिया के कुछ पार्ट्स में मलेशिया इंडोनेशिया और श्रीलंका से अलग भी एशिया के अंदर ये हमने बोला है लेकिन इंडिया भी हमारा एशिया के अंदर ही है सो ये इंडिया के भी कुछ पार्ट्स में ये वाला जो इलाका है वो पाया जाता है नाउ क्लाइमेट अभी हम क्लाइमेट कैसा होता है यहाँ पे वो पढ़ते हैं बींग लोकेटेड नियर द इक्वेटर दिस रीजन रिसीव ऑलमोस्ट डायरेक्ट रेज ऑफ द सन थ्रू आउट द ईयर क्योंकि ये इक्वेटर के पास लोकेटेड है इक्वेटर के बहुत पास है तो जो ये इला रीज़न होते हैं जो यहाँ का एरिया होता है जो इलाका होता है वहाँ पर क्या होती है जो सन की रेज होती है वो डायरेक्ट फॉल होती है क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है जो सन की रेज होती है हमारी वो डायरेक्ट इक्वेटर पे फॉल होती है सो so, क्योंकि इक्वेटर के पास है तो यहाँ पर सन की डायरेक्ट रेज जाती हैं ड्यू टू इंटेंस हीटिंग द वाटर वेपर राइजेज फ्राम द वाटर बॉडीज एंड फॉर्म्स डेंस क्लाउड्स और बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से जो यहाँ पे वाटर जो वाटर होता है जो जितना भी इस इलाके में जो वाटर होता है उससे क्या होती है गर्मी की वजह से वो वाटर वेपर के फॉर्म में ऊपर जाता है और क्या बन जाते हैं उसके डेंस क्लाउड्स घने बादल दे आर कॉल रेन फॉरेस्ट बिकॉज दिस एरियाज रिसीव रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर जब वहाँ पर घने बादल बन जाएंगे तो वहाँ पर बारिश भी होगी सो so, इनको हम रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं बिकॉज इन एरियाज में बहुत ज़्यादा अमाउंट में बारिश होती है बाई फोर पी एम इन द इवनिंग द क्लाउड्स बिकेम सैचुरेटेड विद वाटर एंड बिगिन टू केम डाउन एज है ऑफन ए कंपेन बाय थंडर स्टॉम्स शाम को इवनिंग में फोर ओ क्लॉक के आसपास क्या होता है जो ये क्लाउड्स uh, होते हैं इनमें पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है uh, क्योंकि वाटर पेपर से जो पानी है हमारे भाबन के वो ऊपर जाता है सो so, क्या होता है उसके पास वो हैवी रेनफॉल के अमाउंट पे वो नीचे आने लगता है और किसके साथ आता है आंधी के साथ थंडर स्टॉम्स मीन्स आंधी तूफान के साथ बहुत ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पर बारिश होती है नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेजिटेशन अभी हम यहाँ की खेती बाड़ी जो होती है जो भी वेजिटेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे द ट्रीज हे आर टॉल हार्ड एंड एवरग्रीन जो यहाँ के ट्रीज होते हैं पेड़ होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं बहुत मजबूत होते हैं और हरे भरे होते हैं देयर इज़ नो फिक्स टाइम ऑफ शेडिंग लीव्स हैज द फॉरेस्ट रिमेन ग्रीन और यहाँ पर जैसे हमारे सीजनस uh, के अकॉर्डिंग हमारे एरियाज़ में क्या होता है पत्तियाँ झड़ती भी हैं पेड़ों की ऑटम सीजन में और स्प्रिंग सीजन में वो फिर से भर जाती हैं बट यहाँ पर जो लीव्स होती हैं उनके शेड होने का पत्तियों के झड़ने का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है जब तक वो हरी भरी नहीं हो जाती द ट्रीज़ हैव अ डिस्टिंक्ट लेयर अरेंजमेंट एंड फॉर्म अ कैनोपी जो ट्रीज़ होती हैं उसमें एक अलग सी लेयर का अरेंजमेंट होता है जो क्या फॉर्म करती है कैनोपी फॉर्म करती है द ग्राउंड इज ऑल्सो कवर्ड विद अंडर ग्रोथ और जो ग्राउंड है वहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी वो अंडरग्रोथ होता है मीन्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा खेती वगैरह इस तरह से हमें देखने के लिए नहीं मिलेगी सम ऑफ द ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर माहोगनी इबोनी रोजवुड किंकोना एंड रबर और यहाँ पे कुछ पेड़ किस चीज़ के पाए जाते हैं इन जंगलों में माहोगनी इबोनी रोजवुड किंकोना एंड रबर और जो किंकोना ट्री होता है वो एक मेडिसिनल प्लांट होता है उससे मतलब हमें मेडिसिन प्रोवाइड होती है नाउ वाइल्ड लाइफ द इक्वेटरल फॉरेस्ट आर द नेचुरल होम ऑफ एनिमल्स दैट लिव ऑन ट्रीज इक्वेटोरियल फॉरेस्ट किसके लिए नेचुरल होम है एनिमल्स के लिए जो भी जितने भी वहाँ जानवर रहते हैं वो उनके लिए नेचुरल होम है क्योंकि वो मेनली वो कहाँ पर रहते हैं पेड़ों पर रहते हैं वहाँ के मंकीज़ चिमपैनजीज गोरीलाज बटरफ्लाइज एंड बर्ड्स आर फाउंड इन दिस फॉरेस्ट और यहाँ पे मेनली कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं मंकीज़ चिमपैनजीज गोरीलाज बटरफ्लाइज एंड बर्ड्स एक्वेटिक एनिमल्स लाइक स्नैक्स क्रोकोडाइल्स एंड टर्टल्स आर ऑल्सो फाउंड है और यहाँ पे कुछ इक्वेटिक एनिमल्स भी पाए जाते हैं जैसे कि स्नैक क्रोकोडाइल एंड टर्टल्स नेक्स्ट वन इज़ ह्यूमन लाइफ अब यहाँ की ह्यूमन लाइफ कैसी होती है दीज रीजन्स आर नॉट वेरी डेंसली पॉपुलेटेड ये जो इलाके होते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा डेंसली मीन्स घनेसली मींस हमने घना पड़ा था मीन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे पॉपुलेशन नहीं रहती है नोम एंड ट्राइबल पीपल इनहेबिट दीज रीजन एंड प्रैक्टिस प्रमेटिव टाइप ऑफ फार्मिंग यहाँ पर सिर्फ नोमार्ट्स रहते हैं जो कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करते रहते हैं सो so यहाँ पर नोमार्टिक और ट्राइबल पीपल ही हम भी देखने के लिए मिलेंगे और मेनली uh, वो किस लिए होते हैं यहाँ पे अलग अलग तरह फार्म के फार्मिंग की प्रैक्टिस करने के लिए द पिगमीज़ लिव इन जैरे जो पिगमीज़ होती हैं वो भी एक प्रजाति है इनकी वो जैरे में है सिमांग्स मलेशिया में कुबूस सुमित्रा में ये कुछ यहाँ के फॉरेस्ट ज्वेलर्स हैं जो यहाँ पर रहते हैं दे मेक क्लियरिंग्स इन द फॉरेस्ट एंड ग्रो क्रॉप्स ऑन दिस लैंड फॉर टू टू थ्री ईयर्स ये क्या करते हैं यहाँ के जंगलों को क्लियर भी करते हैं एक तरह से और यहाँ पर अलग अलग तरह की क्रॉप्स को उगाते हैं दो तीन साल तक के लिए बिफोर शिफ्टिंग टू अ न्यू एरिया मीन्स किसी भी दूसरे एरिया पर शिफ्ट होने से पहले वो दो तीन साल यहीं पर रह के वहाँ पर क्रॉप्स उगाते हैं दिस मैथड ऑफ़ फार्मिंग इज कॉल्ड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर और इस मैथड को क्या बोलते हैं फार्मिंग के शिफ्टिंग एग्रीकल्चर ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल द यूरोपियंस इंट्रोड्यूस प्लांटेशन एग्रीकल्चर बाय क्लियरिंग द फॉरेस्ट जब कॉलोनियल रूल था मीन्स जब अंग्रेजों का यहाँ पर रूल हुआ करता था तो जो यूरोपियंस थे उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस की थी प्लानेशन एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस किया था जिससे कि जो जंगल है उनको उनकी साफ सफाई की जा सके उनको क्लियर किया जा सके एग्जाम्पल्स ऑफ प्लान्टशन एग्रीकल्चर आर कुछ प्लान्टशन एग्रीकल्चर की हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे यहाँ पर कोकुआ फार्मिंग जो कि कहाँ पर है घना और ईवोरी कोस्ट में जहाँ पर कोको की खेती बाड़ी होती है टी प्लान्टशन जहाँ पर चाय पत्ती वगैरह होती है वो कहाँ है श्रीलंका रबड़ की प्लानेशन कहाँ पर रबड़ की खेती कहाँ होती है मलेशिया में और कॉफ़ी की इंडिया में मेनली वो भी कहाँ होती है साउथ पार्ट में क्टोरियल रीजन आर फाउंड ऑन आई द साइड ऑफ द इक्वेटर इक्वेटोरियल रीजन कहाँ पर होते पाए जाते हैं इक्वेटर के 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ में हैव अ लेयर अरेंजमेंट एंड फॉर्म अ कैनोपी जो ये जंगल होते हैं ये इन पे पेड़ों पे एक अलग अलग लेयर अरेंजमेंट होता है जो किसको फॉर्म करता है कैनोपी को फॉर्म करता है थंडर स्टॉम्स आर कॉमन इन दिस इन दिस रीजन और यहाँ पे क्या है थंडर स्टॉम्स कॉमन होती है मीन्स आंधी तूफान बहुत कॉमन है यहाँ पे आना बिकॉज़ क्या होगा क्योंकि जो बारिश होती है वो आंधी तूफान के साथ ही यहाँ पर आती है ओके नाउ आई होप आपके चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा सो प्लीज़ लिसन दिस केयरफुली ओके बाय बाय थैंक यू